लाहौर के इलाके गुलशन रावी में लड़की को अगवा करके सात अफराद ने चूंग ले जाकर इज्तमाई ज्यादती का निशाना बनाया। इसरार खान हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे तफसीलात जान लेते हैं। इसरार, बताइएगा ये क्या वाकया है और क्या पुलिस ने कोई कार्रवाई की है? इसरार खान, अगर आप सुन पा रहे हैं तो बताइएगा ये क्या वाकया है और पुलिस की जानिब से कार्रवाई क्या की गई इस पर? जी, ये अफसोसनाक वाकया थाना चौक की हदूद में पेश आया, जहां पर सात मुल्जिमान ने एक खातून के साथ इज्तिमाई ज्यादती की है। पुलिस के मुताबिक जो मुतासरा खातून है वो शेराकोट की रिहायशी है और उसका नाम आरजू बताया जाता है। खातून ने जो मुकदमा दर्ज करवाया है उसमें उसका मौकफ है कि डबल सड़का जो कि गुलशन रावी का एक इलाका है, वहां से मुल्जिमान उसको लेकर गए अगवा करके और चौक के इलाके में उसके साथ इज्तिमाई ज्यादती की। ताहम किसी के लाहौर गुलाम महमूद डोगर के हुक्म पर वाके का मुकदमा दर्ज कर लिया गया। मुकदमे में जहांगीर, जज शकील, बस्तिया आसिफ और रफाकत शाह नामजद किए गए हैं। इस मुकदमे में बाबा चावल और दो नामालूम मुल्जिमों को भी शामिल किया गया है। पुलिस का कहना है। ठीक है, इसार खान, बहुत शुक्रिया तफसीलात के लिए।